जब लो आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन भारतीय संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव है। भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदि ब्रह्मा और प्रजापति के रूप में जाना जाता है, कर्ममूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार रहे। भगवान ऋषभदेव के पूर्व इस धरती पर भोग युग था। नर नारी युगल रूप में जन्म लेते थे और युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। उस समय न परिवार था, न समाज, न ही कुटुंब, कोई एक व्यवस्था नहीं थी। हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति 10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती थी। काल के प्रभाव से धीरे धीरे कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा होने लगी। उस समय जब मनुष्य आपस में लड़ने लगे तो क्रमशः 14 कुलकर उत्पन्न हुए, जो उस समय उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समाज को मार्गदर्शन दिए। अंतिम कुलकर नाभि राय के संतान के रूप में भगवान ऋषभदेव हुए। भगवान ऋषभदेव के काल में कल्प वृक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गए। प्राकृतिक रूप से उगे हुए फसल भी नष्ट होने लगी और जनता त्राही त्राही करने लगी। तब सारी प्रजा भगवान ऋषभदेव के समक्ष गई और उन्होंने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप षट कर्मों का उपदेश देकर हमारे जीवन के निर्वाह का मंत्र दिया। वे कृषि प्रधान युग के पुरुषकर्ता बने। उनका उपदेश रहा कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करो, अब कर्म युग आ गया है। बिना कर्म किए मनुष्य का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए उन्होंने षट कर्मों का उपदेश दिया। अशी यानी रक्षा के लिए तत्पर, तलवार के माध्यम से अपना काम करो। मसी यानी लिखा पढ़ी का काम, कृषि अर्थात खेती, विद्या टेक्नोलॉजी, वाणिज्य व्यापार और शिल्प जितने आर्ट और स्कल्पचर्स हैं, इनकी शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने दी। भगवान ऋषभदेव के भरत और बाहुबली के दो प्रमुख सहित 100 पुत्र थे और ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 कन्याएं थीं। उन्होंने भरत आदि अपने 100 पुत्रों के माध्यम से हमें अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान दिया और 2 पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान देकर हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज ब्राह्मी लिपि भगवान ऋषभदेव की ज्येष्ठ पुत्री ब्राह्मी के नाम से प्रचलित है। अक्षर और अंक दोनों का ज्ञान भगवान ऋषभदेव के माध्यम से हम सबको मिला। तो भगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुत महान था। उन्होंने हमें हमारे जीवन के निर्वाह का, निर्माण का और निर्वाण का तीनों मार्ग बताए। जब हमारे जीवन के गुजारे की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले हमारे जीव को उपार्जन के लिए षटकर्म का उपदेश दिया और ये कहा इस षटकर्म के माध्यम से अपने जीवन का गुजारा किया जा सकता है, निर्वाह किया जा सकता है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखने की है कि जीवन का निर्वाह जीवन का मूल मकसद नहीं है।
निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जैसे हम खा पीकर अपना जीवन गुजारते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी अपना जीवन किसी तरह से गुजार लेते हैं। मनुष्य का जीवन निर्वाह के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य का जीवन निर्माण के लिए हुआ है। तीनों शब्द को ध्यान में रखें, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह पशुता है, केवल अपने निर्वाह की बात सोचना एक प्रकार की पशुता है। पशु पक्षी जिस तरह से अपना निर्वाह करते, आप भी अपना निर्वाह कर लिए, मनुष्य जीवन पाकर के केवल गुजारे में ही सब कुछ खत्म कर दिया, तो मनुष्य जीवन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। निर्माण, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, मनुष्य जीवन पाकर के मानवीय मूल्यों से जुड़ना। निर्वाह केवल अपने गुजारे की बात है और निर्माण अपने साथ औरों के हितों की रक्षा की बात है। भगवान ऋषभ देव ने अपने हितों के साथ औरों के हितों की पूर्ति करने का मार्ग बताते हुए हमारे जीवन के निर्माण का पथ बताया, और उन्होंने पूरी की पूरी वसुंधरा को 52 महाजनपदों में विभक्त करके एक राज्य व्यवस्था दी, एक पूरी की पूरी नागरिक व्यवस्था दी, जिससे सभी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। वो मानवीय मूल्य हम सबको भगवान ऋषभ देव के माध्यम से मिले और वो हमारे जीवन के निर्माण का आधार बनकर आगे चली। तीसरे क्रम में है जीवन का निर्वाण, निर्माण मनुष्यता है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में मनुष्यता की प्रतिष्ठा नहीं करता तो उसका मनुष्य होना निरर्थक है। एक बात सदैव ध्यान में रखने की है, मनुष्य का जन्म नहीं होता, मनुष्य का निर्माण होता है। जन्म तो एक शिशु का होता है, जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी है, मिट्टी के लौंधे से कलश का निर्माण होता है, घड़े का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारा जीवन एक शिशु की तरह है, जो मिट्टी की तरह है, हम उसे कलश का आकार दें। मिट्टी को मंगल कलश का रूप देना ही मिट्टी का सही निर्माण है। मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा करना ही हमारे जीवन का निर्माण है, जो भगवान ऋषभ देव ने हमें निर्माण का मार्ग बताया। पर कहा कि निर्माण तक सीमित रहना हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता को प्राप्त करना जीवन का निर्माण है, लेकिन मनुष्यता से ऊपर उठकर भगवत्ता को प्राप्त कर लेना जीवन का निर्वाण है। उन्होंने निर्वाण का मार्ग बताया। उन्होंने 84 लाख पूर्व तक उनकी आयु थी और 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राज संचालन किया। अपने जीवन के अंतिम 1 लाख पूर्व की आयु शेष रहने पर उन्हें बैराग हुआ। नीलांजना नाम के नृत्यांगना के नृत्य को देखते हुए उन्हें जीवन की नश्वरता का भान हुआ और उन्होंने राजपाट वैभव सब का परित्याग कर वनवास को अंगीकार किया। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अपनी आत्मा का अंतर मंथन किया, और 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के उपरांत संपूर्ण आर्यावर्त में उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, लोगों को धर्म का मार्ग बताया, और अपने जीवन के अंतिम पलों में कैलाश पर्वत पर जाकर माघ बदी चतुर्दशी के दिन आज की ही तिथि में उन्होंने परम निर्वाण को प्राप्त किया। ये भगवान महावीर ऋषभ देव के व्यक्तित्व की बात है। भगवान ऋषभ देव का व्यक्तित्व बहुत महान था। वे एक असाधारण महापुरुष के रूप में भारत में प्रतिष्ठित हुए। वे जैन धर्म के प्रवर्तक तो थे ही, पर वैदिक ऋषियों ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया। वेदों और पुराणों में भगवान ऋषभ देव का अनेक स्थलों पर उल्लेख उनकी इसी महानता का द्योतक है। आप सबको सुनकर के आश्चर्य भी होगा कि भगवान ऋषभ देव का केवल ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में उल्लेख है, स्तुति परक उल्लेख। ऋग्वेद में 141 ऋचाओं में ऋषभ देव का उल्लेख है। अनेक पुराणों में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख है। भागवत में उन्हें एक अवतार के रूप में मान्य किया गया, और एक ऐसा कहा गया है कि वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ है। उन 68 तीर्थों की वंदना का जो फल मिलता है वो आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से हो जाता है। अष्ट षष्टीषु तीर्थेषु यात्रायाम यत फलम भवेत श्री आदिनाथस्य देवस्य
स्मरण मात्रे नापितत भवेत। 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है वो आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ऋषभदेव की महानता का द्योतक है। ऋषभदेव भारत की संस्कृति के महान पुरोधा हुए हैं। जैन धर्म के उनायक प्रथम तीर्थंकर के रूप में प्रवर्तित हुए हैं। आज हम भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव को आयोजित कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हमें इस बात की आवश्यकता और अपेक्षा है कि हम ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझें, उनके जीवन दर्शन को समझें और जन जन तक भगवान ऋषभदेव के चरित्र का बोध कराकर लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। आदि पुराण भगवान ऋषभदेव के चरित्र का पूरा वर्णन करता है। सभी को चाहिए कि वे आदि पुराण को पढ़े और आदि पुराण में प्रतिपादित तथ्यों को देखकर समझ सके कि ऋषभदेव कालीन भारत कैसा था और इस भारत के निर्माण में भगवान ऋषभदेव का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भारत की संस्कृति में भगवान ऋषभदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर उनके चरणों में हम वंदना अर्पित करें। और आज समस्त जैन समाज से मैं कहूँगा कि ऋषभदेव भगवान के व्यक्तित्व और कृतित्व को न केवल खुद जाने औरों को भी इसे जनाने की कोशिश करें ताकि वे एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हों और जैन धर्म की कड़ी से जुड़ सके। इतना ही कहकर आज मैं यहाँ पर विराम लूँगा। आज आप लोगों ने भावना योग किया, उसका लाभ लिया। चूँकि ऋषभदेव जयंती अभी बहुत उल्लास के साथ कुनकुरी वालों ने भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव मनाया, ये महोत्सव मनाने की परंपरा पूरे देश में निरंतर बनी रहनी चाहिए ताकि लोग भगवान ऋषभदेव को जान सके और उनसे जैन धर्म की प्राचीनता को पहचान सके। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।